हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्यूबर से लोटस ग्रो करना दिखा रही हूँ। कैसे इसको ग्रो करना है, ये मुझे अपने गांव के तालाब में से मिला है। मैं इसे वहाँ से लेकर आई हूँ और आज मैं इसे बताऊँगी कि इसे कैसे ग्रो करना है। ये देखिए, यहाँ पे ये स्प्राउट हो रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये रहा है यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं, और देखती हूँ अगर ग्रो हो जाता है तो। देखिए, मैंने ये बाल्टी ली, मैंने मिट्टी डालकर उसको अच्छी तरह से पानी से भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब ये मिट्टी देखिए ऐसी हो गई है। अब मैं इसके अंदर इसको लगाने जा रही हूँ। ये मैंने इस तरह से इसको रख दिया है, कम से कम 1.5 फीट है इस मिट्टी, इसके अंदर 1.5 फीट मिट्टी भरी हुई है। लोटस को ग्रो करने के लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाटर लिलीज के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती। लोटस को मिट्टी ज़्यादा चाहिए तभी वो कार्य करेगा, और ट्यूबर से अगर आप लगाते हैं उसे तो फ्लावरिंग जल्दी होती है बजाय बीज के। अगर बीज से ग्रो करते हैं तो वो साल दो साल का टाइम ले लेता है। इसके ऊपर मैंने और मिट्टी डाल दी है थोड़ी सी, इसलिए ताकि ये जड़े इसके अंदर जमी रहे, नहीं तो मैं पानी डालूंगी ये ऊपर फ्लोट कर जाएगा। मैंने इसके ऊपर फिलहाल के लिए ये पत्थर रख दिया है, मैं इसे बाद में हटा लूँगी क्योंकि ये अगर मैं पानी डालूँगी तो ये ऊपर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर ये पत्थर रख दिया है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है पर ये जब पानी डाल के मिट्टी शांत हो जाएगी, बैठ जाएगी, तभी आप दिखाई देगा। अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालूंगी। और इसे पूरे दिन की धूप में रहने दूंगी क्योंकि मौसम अभी ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह यहाँ रखा हुआ है जहाँ पर पूरे दिन की धूप आए, क्योंकि सर्दियों में लोटस खत्म होने लगते हैं, उनकी पत्तियाँ सारी खराब हो जाती हैं और फिर फैब में दोबारा ये निकल आती है। ये इस तरह से हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोटस की सर्दियों में कैसे केयर करें तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं या किस टॉपिक पर आपको वीडियो मेरी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।